वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फागू चौहान हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 6 बार के सदस्य रह चुकी फागू चौहान ने 29 जुलाई 2019 को बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्हें पटना की राजभवन में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री पद के साथ ही उनको राज्यपाल पद की शपथ दिलाई है। और समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कई अन्य नेता वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो बिहार राज्य है उसके जो नए राज्यपाल बने हैं वो फागू चौहान बने हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में जीने दो, ठीक है, जीने दो हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो जम्मू और कश्मीर में जिला प्रशासन उधमपुर ने एक हेल्पलाइन जीने दो शुरू की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना है और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पूर्व गर्भाधान और प्रीनेटल डायग्नोसिस तकनीक या PCPNDT अधिनियम के डिफॉल्टर्स से निपटना है। इस संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जो कि है 9469793363, जो कि जनता को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाने के लिए ये योजना आई है वो है जीने दो। ठीक है, और ये एक हेल्पलाइन है जो कि मैंने आपको नंबर भी बताया है उसके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। राइट, तो ये आपका 2nd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हाल ही में कब लॉन्च की जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा कल के दिन यानी कि 1 अगस्त को, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए ICC ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप WTC का उद्घाटन किया है जो कि 1 अगस्त 2019 को शुरू होगी और 2 वर्षों में खेली जाने वाली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में विश्व की शीर्ष 9 टेस्ट टीमें 27 श्रृंखलाओं में कुल 71 टेस्ट मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। और 2021 में यूनाइटेड किंगडम में होने वाली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में शीर्ष की जो 2 टीमें होंगी वो फिर से आमने सामने होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कल से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हो रही है जिसमें कोई भी देश किसी भी देश में जो सीरीज खेल रहा है उसको एक मैच जीतने या ड्रॉ कराने पर उनको पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत नेपाल रसद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत के नेपाल के प्रधानमंत्री ने काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल रसद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और शिखर सम्मेलन का जो विषय रहा है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप। ठीक है, और इस द्विपक्षीय सहयोग का उद्देश्य सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और वायु संपर्क के महत्वपूर्ण घटकों पर पहल करना है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वह KP शर्मा ओली और वहाँ की राजधानी है काठमांडू, वहाँ की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और वहाँ की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत तथा किस देश के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है म्यांमार, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत और वरिष्ठ राज्य मंत्री वहाँ जो म्यांमार है वहाँ के वरिष्ठ राज्य मंत्री मिन ऑन हुआंग, इनके बीच रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ ने रक्षा सहयोग में वृद्धि, म्यांमार रक्षा सेवाओं को प्रदान किए गए हैं
और संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण की समीक्षा करने और संयुक्त निगरानी और क्षमता निर्माण के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग प्रणाली में समझौता किया गया है। तो अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ की राजधानी है नाइपिरू और वहाँ की राष्ट्रपति है विनमिंत। ठीक है, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदिशा वालियान, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर शहर की 21 वर्षीय लड़की विदिशा बालियान को मिस डेफ दो वर्ल्ड 2019 का खिताब दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के मैम्बला शहर में हुआ था और वो एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने डी फ्लाई पिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व और किया था और रजत पदक भी जीता था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है विदिशा बालियान ने, जो कि भारत की हैं और ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो ये आपका सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में तमिलनाडु की जेरलिन अनिका ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो देखिए, ताइपे में आयोजित वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में तमिलनाडु की लड़की जेरलिन अनका ने स्वर्ण पदक जीता है और 15 वर्षीय अनका ने चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं जिसमें स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, ताइवान की अगर हम बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति है तेई इंग वेंग और ताइवान की जो मुद्रा है वो है ताइवान डॉलर। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मनुष्य तस्करी के खिलाफ अवैध दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जुलाई, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को संवर्धन और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था और 2019 में विश्व दिवस पर UNODC एक टैगलाइन के साथ सरकार की कार्रवाई के महत्व को उजागर करने पर ध्यान दे रहा है। जो टैगलाइन है, ह्यूमन ट्रैफलिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। ठीक है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि USA में और उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके जो महासचिव वर्तमान में है वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य के सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन कर दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा उड़ीसा, ऑप्शन सी सही होगा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि भुवनेश्वर में सचिवालय या सचिवालय भवन को अब लोकसभा भवन कहा जाएगा। ठीक, लोक सेवा भवन कहा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, लोक सेवा भवन। और उड़ीसा सचिवालय भवन का उद्घाटन 12 नवंबर 1959 को हुआ था। ठीक है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्काई डाइव जंप करने वाले IAF के पहले पायलट कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा तरुण चौधरी, ऑप्शन ए सही होगा। तो विंग कमांडर तरुण चौधरी विंग सूट जंप करने वाले भारतीय सशस्त्र बल IAF के पहले पायलट बने हैं और तरुण चौधरी ने MI-17 हेलीकॉप्टर से 8500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। किसी संगठित समूह में ये किया गया पहला फ्लाइंग विंग सूट जंप प्रदर्शन है और ये जंप 21 से 22 जुलाई 2019 के बीच वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित कारगिल दिवस समारोह के दौरान लगाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में किस संस्थान की टीम ने केयर फॉर यू ऐप विकसित किया है जो कि वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए है और इसका आंसर रहेगा IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में गठित की गई लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी हरिद्रन चौधरी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें।
साथ ही साथ सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। GS प्लेटफॉर्म को सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और यूपी टेट 2019 के लिए वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं और आगे के वीडियो डाले जाएंगे। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप उनको देखते रहिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।